लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। किसान ने जुगाड़ कर कोरोना महामारी से बचने के लिए चौक चौराहों व बैंक परिसर को किया सैनिटाइज। कोरोना महामारी के संकट के चलते लोग भिन्न भिन्न तरीके से अपने सेवा देकर देश व लोगों के प्रति अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। संक्रमण से बचाव के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे। कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए अंचल के किसान कृष्ण कुमार साहू ग्राम चंदना के द्वारा एक अभिनव पहल करते हुए जुगाड़ कर मिनी ट्रैक्टर के माध्यम से अभनपुर के नवापारा नगर के चौक चौराहों को सैनिटाइज किया गया, जिनमें प्रमुख रूप से पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक, गोपाल गौशाला, गोबरा नवापारा पुलिस चेकिंग प्वाइंट, साथ ही ओम शांति कॉलोनी व नगर के बैंक परिसर को सैनिटाइज किया गया। उनके इस कार्य में उनके सहयोगी काशीराम यादव, यशवंत यादव, रोहित कुमार वर्मा, चंदना का विशेष योगदान रहा। कृष्ण कुमार साहू ने एक भेंट में बताया कि उनके इस कार्य में गोवर्धन दास ढागा परसट्टी का विशेष रूप से सहयोग रहा है। सैनिटाइजर के रूप में विषाणु नाशक सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग किया गया है। उन्होंने बताया कि राजधानी रायपुर में भी सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, महापौर एजाज ढेबर के बंगले को भी सैनिटाइज किया है। राष्ट्रव्यापी कोरोना महामारी से बचाव किए जा रहे उनके इस कार्य की इन सभी ने काफी प्रशंसा की है। साथ ही राजिम क्षेत्र और मगर लोड में भी सैनिटाइजर किया गया है और आगे भी उन्होंने अपनी सेवा देने की बात कही है। क्लिपर 28 के लिए अभनपुर से दीपक वर्मा की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण को लेकर शासन द्वारा विभिन्न माध्यमों से, विभिन्न तरीकों से सैनिटाइज का कार्यक्रम गांवों में, शहरों में, गलियों में किया जा रहा है। क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और खेती किसानी के दौरान विभिन्न फसलों में कई माध्यमों से हम दवा का छिड़काव करते हैं, तो हमारे समीप ग्राम परसट्ठी में किसान गोवर्धन दास डागा जी के पास कुंदरू बाड़ी में उपयोग किए जाने वाला जुगाड़ का छोटा महिंद्रा ट्रैक्टर और रेनगन, हाई प्रेशर वाली कृषि उपकरण को हमने सैनिटाइज करने के लिए उपयोग में, जुगाड़ में काम में लाना शुरू किया। इसके लिए रायपुर से हम लोग सैनिटाइज के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड और क्लोरीन जैसे विषाणुनाशक दवा प्राप्त किया और इसका सैनिटाइज का काम इस ट्रैक्टर चलित रेनगन मशीन से चालू किए। उसमें हम लोग गोपाल गौशाला नया पारा में पूरी तरह से दवा का सैनिटाइज किए। नया पारा में ही ओम शांति कॉलोनी, दीनदयाल उपाध्याय चौक, स्टेट बैंक परिसर के आसपास गंज रोड में भी हमने सैनिटाइज किया। जबकि इसके पहले पंडित सुंदरलाल शर्मा चौक राजिम, पुलिस थाना कार्यालय परिसर राजिम और साथ ही साथ हम अपने गांव चंदना में गोवर्धन दास डागा जी के गांव परसट्ठी नहरडी नवडी में भी दवा का सैनिटाइज इस मशीन के माध्यम से किया। इसके साथ ही पुलिस चौकी करेली बड़ी के जवानों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक करेली बड़ी, जिला सहकारी ग्रामीण बैंक करेली बड़ी, करेली बड़ी में लगने वाले साप्ताहिक बाजार, देना बैंक भेंड्री और गरियाबंद रायपुर और धमतरी जिला को जोड़ने वाला जो चेक पॉइंट पुलिस का बना है बिलाही घाट में, उस चेक पॉइंट को चौबे बांधा पुल के उस पार गरियाबंद पुलिस का जो चेक पॉइंट लगा है वो, और साथ ही साथ राजिम पुल के पास
पुलिस का जो चेक पॉइंट है उसको भी हमने इस मशीन के माध्यम से सैनिटाइज करके सेवा का प्रयास कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कर रहे हैं और हमारा आगे भी प्रयास इस संक्रमण के बचाव में इसी ट्रैक्टर चलित रेनगन मशीन से करने का प्रयास हमारा जारी रहेगा। नमस्कार। फॉर मोर न्यूज़ अपडेट्स डू सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट क्लिपर 28।